प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। एक दिन गीदड़ खाने की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। वो दिन उसके लिए बहुत बुरा था। उसे दिन भर ही भूखा रहना पड़ा। वो भूखा और थका हारा चलता रहा, रास्ता नापता रहा। बिलाखिर दिन ढले वो खाने की तलाश में एक शहर में जा पहुंचा। उस शहर में पहुंचकर उसे ये एहसास भी था कि एक गीदड़ के लिए शहर में चलना फिरना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से यह खतरा भी वो मोल लेने पर मजबूर था। वो अपने आप से कहने लगा, मुझे बहरहाल खाने के लिए कुछ न कुछ हासिल करना है, लेकिन किसी आदमी का कुत्ते से दो चार होना न पड़े। अचानक उसने खतरे की बू महसूस की। कुत्ते भौंक रहे थे। वो जानता था वो इसके पीछे जरूर लग जाएंगे। वो डर कर भागा, लेकिन कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए गीदड़ और तेज भागने लगा, लेकिन कुत्ते उसके करीब पहुंच गए। गीदड़ जल्दी से एक मकान में घुस गया। यह मकान एक रंगरेज का था। रंग करने वाले आदमी का मकान ऐसा था कि उसके सहन में नीले रंग से भरा हुआ एक टब रखा हुआ था। भागते हुए गीदड़ का पांव फिसला और वो नीले रंग से भरे उस टब में जाकर गिर गया। कुत्तों ने गीदड़ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। गीदड़ बुरी तरह घबराया हुआ था। वो उस वक्त टब में छुपा रहा जब तक उसे कुत्तों के चले जाने का यकीन ना हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टब से बाहर निकल आया। गीदड़ ने देखा कि उसके पूरे जिस्म पर नीला रंग चढ़ गया था। वो परेशान हुआ कि अब क्या करे। उसने सोचा कि इससे पहले कि कोई आदमी या कुत्ता दोबारा देख ले, उसे जंगल वापस पहुंच जाना चाहिए। वो जल्दी जल्दी जंगल वापसी का रास्ता देखने लगा। जंगल पहुंचकर जब जानवरों ने उसे देखा तो पहले तो सारे जानवर डरकर छुप गए। उन्होंने उसे एक नया और अजीब और गरीब जानवर समझा, क्योंकि आज तक उन्होंने इस तरह का नीला जानवर नहीं देखा था। यहाँ तक ये दूसरे गीदड़ भी उसे बिल्कुल न पहचान सके। अब गीदड़ भाग दिया कि सब जानवर उसके इस नए रूप से डर रहे हैं। बस फिर क्या था, उसके दिमाग में तरकीब आई। वो चीख चीख कर जानवरों को पुकारने लगा, ठहरो, दम लो, कहाँ जाते हो, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। सारे जानवर रुक कर गीदड़ को देखने लगे। उसके पास जाते हुए वो अब भी डर रहे थे। गीदड़ फिर चिल्लाकर बोला, आओ मेरे पास आओ, अपने सब दोस्तों को बुलाओ, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात कहनी है। एक एक करके सब जानवर उस नीले गीदड़ के पास पहुंचे। चीते, हाथी, बंदर, खरगोश, हिरन, बड़े सब ही जंगली जानवर उसके चारों तरफ खड़े हो गए। उन्होंने हैरान होकर उससे पूछा, तुम कौन हो? चालाक गीदड़ ने झूठ मूठ कह दिया, मेरा नाम जिया छाओ है, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे इस जंगल में तमाम जानवरों का बादशाह बनाकर भेजा गया है, मैं एक बादशाह की तरह सबकी हिफाजत करूंगा। गीदड़ के जिस्म पर नीला रंग सूरज की रोशनी में बड़ा चमकदार और खूबसूरत लग रहा था। उसका रंग बिल्कुल अनोखा था और ऐसे रंग का जानवर कभी किसी ने नहीं देखा था। ये जाने बगैर कि वो किस किस्म का जानवर है, सभी जंगल के जानवरों ने उसकी बात का यकीन कर लिया और उसे अपना राजा मान लिया। वो उसके सामने सर झुकाकर बोले, हमें आपकी बादशाहत कबूल है, हम आपके हुक्म के मुंतजर हैं। नीले गीदड़ ने कहा, तुम्हें अपने बादशाह से अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। तुम मुझे ऐसे खाने ला कर दो जो बादशाह खाता है। जरूर जरूर हुजूरे वाला, सभी जानवरों ने एक ही आवाज में कहा, हम दिलो जान से अपने बादशाह की खिदमत करेंगे। फरमाइए, इसके अलावा हमें क्या करना होगा? तुम्हें अपने बादशाह का वफादार रहना है, नीले गीदड़ ने जवाब दिया, तभी तुम्हारा बादशाह तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें महफूज रखेगा। जंगल के जानवर इस गीदड़ के लिए किस्म किस्म के मजेदार खाने लाने लगे और उसकी खातिर मदारत करने लगे। गीदड़ अब बादशाह की तरह रहने लगा। गीदड़ को कहीं भी जाना होता तो वो एक हाथी पर बैठकर जंगल में निकलता। उसके दोनों तरफ मुआवजों के तौर पर शेर चलते रहते थे।
सब जानवर रोजाना उसकी खिदमत में हाजिर होकर उसे सलाम करते और अपनी मुश्किलें बताते रहते थे। बादशाह की बातों को सुनता और उनकी मुश्किलों का हल भी बताता। दोस्तों, एक दिन गिदड़ राजा तमाम जंगली जानवरों के साथ जंगल का मुआयना करने निकला और चलते चलते गिदड़ों की वादी के करीब पहुंचा। उसे दूर से कुछ शोर सुनाई दिया। ये गिदड़ों के होल की आवाज थी। अब जब गिदड़ ने उन बाकी गिदड़ों की आवाज सुनी तो वो भी अपने साथियों की आवाज सुनकर बड़ा खुश हुआ और खुद पर काबू न रख सका। उसे अपनी बादशाहत का भी ख्याल न रहा और अपना सर उठाकर उसने भी गिदड़ों की तरह चीखना और आवाजें निकालना शुरू कर दी। अब उसका बोलना था कि तमाम जानवरों पर उसकी असलियत खुल गई। उन्हें मालूम हो गया कि ये नीले रंग का कोई जानवर नहीं बल्कि एक रंगा हुआ गीदड़ है। इसने हम सबको धोखे में रखा है। सब जानवर मारे गुस्सा के उसे फाड़ खाने के लिए उस पर चढ़ दौड़। लेकिन गीदड़ ने तो पहले ही भागना शुरू कर दिया था। वो भागता गया तेज और तेज और आखिर साहब की पहुंच से बाहर चला गया। इस तरह उसकी जान बच गई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की कहानियां मजीद सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो मिलते हैं और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।